नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेके आई हूँ गिरिजा माता के मंदिर, जो कि रामनगर में है। और अभी हम जा रहे हैं गिरिजा माता के दर्शन करने के लिए। गिरिजा माता के मंदिर का अपना ही एक महत्व है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोती मांगने के लिए आते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं और यहाँ आसपास आपको भी मार्केट देखने को मिलेगी। पापा का हाथ पकड़ लो तो गाइस, ये है मार्केट मंदिर जाने की। तो ये है मेन परिसर जो कि मंदिर का है, यहाँ पूरा ओपन एरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रास्ता है, ये ब्रिज है, सामने ब्रिज है, इधर बहुत से जाना है। ये सामने ब्रिज है, वो है सामने मंदिर। तो ये ब्रिज है जो हम क्रॉस करके उधर सामने जो छोटे से पहाड़ पे देवी माँ का मंदिर है, जहाँ हम दर्शन करने जाएंगे। आप देख सकते हो ये है कोसी नदी। यहाँ पे भी छोटे छोटे टेंट बन चुके हैं जहाँ पे लोग स्नान करके माता के दर्शन करते हैं। इवन यहाँ चेंजिंग रूम भी, अगर आपको स्नान करना हो तो। और सामने है देवी माता का मंदिर, देखिए तो बड़ा पानी का भी बहाव बहुत कम है। देख सकते हैं व्यू, हम इस ब्रिज से चलते आ रहे हैं। आसपास का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, नेचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप देख रहे हैं सामने लिखा है गिरिजा देवी। जोर से बोलिए गिरिजा माता की जय, और हमारी इच्छा है कि माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करे। देख सकते हैं आप सामने ही छोटी छोटी दुकानें जहाँ से प्रसाद माता की चुन्नी ले सकते हैं। और ये सामने भैरव बाबा का मंदिर की गुफा है जिसकी लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से आप लाइन में लगकर भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आप जय माता दी। तो ये भैया हमें बताएंगे गिरिजा माता जी के महत्व के बारे में। गिरिजा माता बहुत पुराने प्राचीन मंदिर है, ये अल्मोड़ा से बह के आया था यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। और यहाँ पर उधर भैरव मंदिर है पल्ली साइड, तो भैरव मंदिर ने इनको रोका था, यहाँ पर रुकेगी, सेवा अच्छी होगी आपकी, यहाँ पर मेले लगेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इस वजह से मन्नत बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो मन्नत बहुत ज़्यादा पूरी भी होती है लोगों की। जय माता। देख सकते हैं आप ऊपर भी यहाँ पे देवी का माता मंदिर है। तो पूरे पहाड़ पे चुनिया बंधी हुई हैं, लोगों ने अपनी मान्यता मांगी हुई है। मम्मी, मम्मी। देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चुनिया भी बांधी हुई हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। और यहाँ पे आज बहुत बड़ी क्यू लगी हुई थी माता रानी के दर्शन के लिए। शाम ग्रह है और यहाँ भंडारा भी चलता रहता है, लोग रेस्ट करते हैं। और आपको इधर वॉशरूम भी मिल जाएगा, अब जाना है तो सामने शनिदेव का मंदिर है, तो हम जाते जाते शनिदेव के भी दर्शन कर ही लेते हैं। आप भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और अपनी मनोती पूरी करने के लिए देवी के दर्शन के लिए आ सकते हैं, या फिर आप वैसे ही भी
देवी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। ये मंदिर सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खोला रहता है और इसका कोई क्लोजिंग टाइम नहीं है। तो अभी टूरिस्ट टाइम में यहाँ पे काफ़ी रश होता है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ऑफ पीक टाइम में आएँ। अगर आपको लाइन में नहीं लग रहा तो अदरवाइज लाइन में लगकर आपका 1-2 आवर्स कम से कम 1 से 2 घंटे आपको लाइन में लग जाएंगे दर्शन करने में, क्योंकि बहुत लंबी लंबी क्यू है। भैरव मंदिर के लिए अलग क्यू है और देवी के दर्शन के अलग क्यू है। सर सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको दर्शन करने आना है तो। ये काफ़ी दूर नहीं है, यहाँ पे आपको इवन टैक्सी और या ऑटो भी मिल जाएंगे जो आपको दर्शन के लिए मंदिर के पास ले आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।